पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है तभी से उन पर अनुभवहीन होने को लेकर लगातार दूसरे दलों के नेता तंज कस रहे हैं। इसी क्रम में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने पंजाब सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि पंजाब के नेताओं को एक्सपीरियंस नहीं है। जो नेता बने हैं उनमें से 90% लोगों ने विधानसभा नहीं देखी है। उनमें कोई मोबाइल रिपेयर करने वाला है तो कोई ऑटो चलाने वाला है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार चलाना आम आदमी पार्टी के लिए काफी बड़ी जिम्मेदारी और चैलेंज है। हरियाणा तो लीड दिया करता है, हरियाणा कभी भी पीछे नहीं। पंजाब में जो हुआ है देखिए, मैं वैसे तो उसका स्वागत करता हूँ, कल लोगों ने मैंडेट दिया है, आप एक साल तो उनका आपका धन्यवाद। हम उन्हें कहे पब्लिक मैंडेट से बड़ा कुछ नहीं होता, मैं इसका स्वागत करता हूँ। पर एक आपसे बात बताऊँ, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बहुत बड़ा चैलेंज है। फाइनेंशियली कंडीशन पंजाब की बहुत अच्छी नहीं है और एक सब अनएक्सपीरियंस लोग हैं, इसमें कोई पहले का पॉलिटिकली किसी का कैरियर नहीं रहा। अगर कोई नर्स भी सिलेक्ट होती है तो उसे भी 2 साल ट्रेनिंग लेनी होती है। अगर कोई आदमी पुलिस में भी भरता है उसे भी मधुबन या फिरोर जाके ट्रेनिंग लेनी होती है। चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर जब बनते हैं, कैबिनेट जब बनती है, पूरे देश को लोगों को आप प्रदेश के लोगों का लेके सारा काम देखने चलते हैं, तो आपको ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। वहाँ तो 90% वो लोग हैं जिन्होंने कभी विधानसभा ही नहीं देखी। कुछ मोबाइल रिपेयर करने वाले चले गए, कुछ ऑटो चलाने वाले चले गए, उसमें हर तरीके के लोग चले गए। अब उन्हें आके जाके जब एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चीज़ है। मैं इस बात पर थोड़ा सा आपसे बताऊँ, IAS और IPS के लिए जब सिलेक्शन होती है तब उसमें बहुत लोग तो अपीयर नहीं होते हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज में जब एडमिशन होते हैं तो 100 out of 100 के 500 बच्चे आ जाते हैं, सीटें 110 है, तो फिर 490 कट जाते हैं। उनका ये देखा जाता है जो 110 की लिस्ट बनती है कि इनके पेरेंट्स की बैकग्राउंड क्या है, कौन दून से पढ़ा है, कौन मेव से पढ़ा है, तो उस करके 110 सीटें भरी जाती हैं। वो बच्चे टॉपर होते हैं, सब कुछ 12 लाख कैंडिडेट IAS में अपीयर होते हैं। उसमें जो सिलेक्ट होते हैं 901,000 होते हैं, उनमें जो IAS प्रॉपर आते हैं वो 150 बच्चे आते हैं, बाकी 800 साढ़े 800 अलाइड में, वो आपका IPS हो गए, वो रेवेन्यू में हो गए, इनकम टैक्स में हो गए, रेलवेज में हो गए, वो जाते हैं। तो ये कोई देश चलाना IAS देश चलाते हैं कोई आसान काम थोड़ा ही है कि कोई चला लेंगे। कल सरकार चलाने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हाउस में पता नहीं चलता कि मोशंस क्या है, आदमी को 2-2 साल तो हाउस की प्रोसीडिंग समझने में लग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है पंजाब के लिए। हम तो चाहेंगे चले, पर अब केजरीवाल जी दिल्ली से रिमोट से सरकार चलाएंगे तो पता लगेगा। मुझे कोई एक धारीवाल है वहाँ अभी मिनिस्टर बने हैं, वो हाउस मांगने गए चीफ मिनिस्टर से कि जी मुझे कौन सा हाउस देंगे। कहते चड्डा साहब से पूछो, हाउस अलॉट करने का काम वो देख रहे हैं। तो कहने के मुझे फ्लैट दे दो, मैं उसके पास जाऊँ, मैंने लोगों का मैंडेट लिया है। जब रिमोट से सरकारें चलेंगी कांग्रेस की। उधर रणजीत चौटाला के इस बयान पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर जवाब दिया। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाई जी इस देश के आम आदमी का मजाक मत उड़ाइए, जो काम 70 सालों में आप सारी पार्टियां और नेता नहीं कर पाए वो काम अब इस देश का आम आदमी करके दिखाएगा। अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट तब आया जब रणजीत सिंह ने अपने बयान में आरोप लगाया कि पंजाब की सरकार दिल्ली से रिमोट द्वारा केजरीवाल चलाएंगे। बता दें कि रणजीत चौटाला का ये बयान हिसार में उस वक्त सामने आया जब वो रेस्ट हाउस में खुला दरबार लगाकर लोगों से मुलाकात कर रहे थे। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।